हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो बार बार आपके दिमाग में आता है कि क्यों आपको जो है वो सफलता एग्जाम में नहीं मिल रही है। बेसिकली आरआरबी पीओ का मेंस हो गया है, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स तो हो ही चुका था, आरआरबी क्लर्क का भी प्रीलिम्स हो चुका है, एंड प्रीवियस ईयर भी कुछ एग्जाम दिए होंगे। इस साल एनआईएसीएल भी हो चुका है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क भी हो चुका है। तो क्या कारण है कि बार बार एग्जाम आप देते जा रहे हैं फिर भी आपके हाथों सफलता हाथ नहीं लग रही है? आप ही लोगों से बात करके मुझे कुछ एक रीजन समझ में आए हैं। जो लोग फेसबुक पर चैट करते हैं, जो लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, एक दो चार लोगों के मेल रिप्लाई रह भी जाते हैं, उनके लिए मैं बहुत 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 सॉरी बोलना चाहूंगा। आप प्लीज फेसबुक को दोबारा मैसेज करिए, मे भी मिस हो गया हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैसेज ज्यादा आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लाखों में आते हैं मैसेज, इतने तो लोग ही नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी अगर दिन भर में 25-30 मैसेज भी आ गए तो बैंक में जाने के बाद, आने के बाद, वीडियो बनाने के बाद इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि सबका रिप्लाई हो पाए। देखिए, जो एक बेसिक रीजन मुझे समझ में आया कि आपका जो सफलता ना मिलने का कारण नंबर एक ये है कि आप खुद सीरियस नहीं है। ठीक है, अब आप सीरियस नहीं है इस बात का पता मुझे कैसे चला? ठीक है, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चैनल और किसी के भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, सपोज कोई सीरीज किसी ने शुरू की, हमने शुरू की या किसी और ने स्टार्ट की, उसका मतलब टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस करा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कराए, उसके बाद उसने एडवांस लेवल क्वेश्चन कराए, ठीक है, उसके बाद उसने और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए। आप देखेंगे जो भी उसकी वीडियो का पार्ट वन होगा उसके व्यू, एक एग्जाम्पल मान रहा हूं, अगर 10,000 हैं, ठीक है, फिर आप देखिएगा जो पार्ट टू के व्यू हैं वो 9,000 हैं, पार्ट थ्री के व्यू हैं वो 8,000 हैं, पार्ट सेवन के जो व्यू हैं वो 3,000 हैं, पार्ट टेन के जो व्यू हैं वो 1,000 हैं। व्यूज ऐसे कम होते चले जाते हैं हर पार्ट के। क्यों? क्योंकि नए नए में तो आपको लगता है अरे वाह ये है, ये मैं सीखूंगा, ये करूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी है। उसके बाद आप पढ़ाई बंद कर देते हैं, आप सीरियस नहीं है, फिर लगता है अरे यार पार्ट आ गया है, वीडियो ही तो है, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, मैं देख लूंगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ, अभी तो मैं चला जाता हूँ खेलने और मिलने चला जाता हूँ दोस्त से अपनी, और उसके बाद दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद आऊंगा रात में पढ़ लूंगा, फिर रात में सोचते हैं यार डिनर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ता हूँ, डिनर करने के बाद थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, वीडियो यूट्यूब पे और देख लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, करते करते रात हो जाती है, सो जाते हैं, सोने के बाद नेक्स्ट डे फिर यही दिनचर्या शुरू होती है, नहीं हो पाता है ना। आप अपना दिन न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर पाते हैं ना, आप अपनी रात एक मॉक टेस्ट या फिर एक वीडियो पढ़ाई की देख करके या 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके सो पाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो करते हैं डेफिनेटली उनका कोई ना कोई एग्जाम क्रैक हो रहा है, जिन लोग का एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और मैं अपने चैनल की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के भी चैनल की बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज कहानी यही है, ठीक है, आप नहीं देखते हैं। नंबर टू, मॉक टेस्ट सॉल्व करना आपको फालतू लगता है। जब कहा जाता है हर अल्टरनेट एवरी अल्टरनेट डे जो है, अल्टरनेट डेज पर आप मॉक टेस्ट देते रहिए और खुद को एनालाइज करते रहिए, वो आपको फालतू लगता है। बेसिकली 2, 4, 6 मॉक टेस्ट आप करते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात सही है बिल्कुल भी। इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप कर नहीं सकते हैं 200%। अगर मैं जॉब क्रैक कर सकता हूं, मैंने क्रैक कर दी, तो मैं कहता हूं मुझसे बहुत ज्यादा पोटेंशियल आप में है, मुझसे बहुत ज्यादा आप पढ़ते हैं, जिन्होंने देखा है कि मैंने कैसे पीओ क्लियर किया, आप मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, आप लोग मुझसे तो ज्यादा ही पढ़ाई करते होंगे और मुझसे ज्यादा अच्छे भी होंगे पढ़ने में, ठीक है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। नंबर तीन, कोई एक चीज आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट चीज बताऊंगा मैं, आप ये गलती कर देना, फॉलो वन चैनल, ठीक है, दो चीजें फॉलो करनी है, एक आप अपना व्यू, दूसरा एक चैनल, जो भी आप गाइड कर रहा है आपको वो मैं कर रहा हूँ, गोल्डन करियर से पढ़ रहे हैं तो गोल्डन करियर करिए, आप किसी और से कर रहे हैं तो किसी और से करिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें ही करिए, किसी और को मत करिए, लेकिन एक के साथ रहिए, ठीक है, और वो चैनल चुन लीजिए, वो आप YouTube का प्लेटफॉर्म चुन लीजिए जो आपको ओवरऑल मतलब जो है प्रिपरेशन कराता हो, मतलब जो आपकी थोड़ा पढ़ाई की वीडियोस भी देता हो, जो आपको थोड़े से मॉक टेस्ट भी देता हो, जो आपको थोड़ा स्टडी मटेरियल भी देता हो, जीके भी देता हो, आपको मतलब एक ओवरऑल
परफॉर्मेंस जो है आपकी वो इम्प्रूव कर पाए, एक ऐसा चैनल चुन लीजिए, वो एक हमारा भी है, कुछ चैनल्स और होंगे, सारे चैनल्स ऐसे नहीं है जो हर एक चीज की प्रिपरेशन कराए, कुछ सिर्फ जीके की करा रहे हैं, कुछ सिर्फ किसी और की करा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आप चुन लीजिए जो आपको पसंद आए। मैं तो यही कहूंगा आप हमारा चैनल देखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और लोगों का हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है, बहुत लोग नहीं होना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो आपको जो पसंद आए वो करिए, लेकिन स्ट्रिक्टली सिर्फ उसी को फॉलो करिए जो वो कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि आप ये स्टडी मटेरियल सॉल्व करिए तो वो करिए, वो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं तो करिए, क्यों, क्योंकि अगर आप उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसका स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लेंगे, तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होगा। मैं आपसे बोलता हूं कि आप डेली उठ के न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि रीजन क्या है कि वेबसाइट पर डेली 4,000 विजिट होने के बाद सिर्फ 20 लोग ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर डाउनलोड करते हैं, और उन 20 में से कितने लोग डाउनलोड करके पढ़ते हैं इस बात पे भी मुझे शक है, ठीक है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्यों आप लोग नहीं डाउनलोड करते हैं एंड क्यों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। और ये भी मैं जानता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि आपने घर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवा रखा होगा, बिल्कुल नहीं लगवा रखा होगा, ये आपकी आदत में ही नहीं पड़ पा रहा है पढ़ना, हैबिट डालिए, हैबिट पड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, करते करते जो है वो आदत उस चीज की पड़ जाती है। सबसे बढ़िया आदत है सुबह उठ के चाय के साथ न्यूज़पेपर 1 घंटे 40 मिनट अगर आप पढ़ लेंगे तो दिन आपका बढ़िया जाएगा, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि एक नया स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिए, आप अपलोड किया जा रहा है, डेली वेबसाइट पे विजिट करने की एक हैबिट बना लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि मैंने वेबसाइट पे कुछ ना दिया हो। अगर आज आपकी बात करूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ की, तो देखिए मैंने क्या दिया है आपको, कितना अच्छा मटेरियल दिया है, ठीक है। डेफिनेटली वो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर, एक तो मैंने 10 आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये 10 प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप डाउनलोड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरा मैंने प्रोवाइड कराया है आप खुद के मार्क्स जज करिए, ये मॉक टेस्ट डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, आज मैंने प्रोवाइड कराया है मॉक टेस्ट और इसके आंसर की है, और देखिए खुद को एनालाइज करिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, और कुछ आपको पेड़ भी नहीं करना है। बहुत सी वेबसाइट तो ऐसा करती है कि भाई ये वाला फ्री है और ये वाला चाहिए तो 100 रुपए देने पड़ेंगे, ये वाला फ्री है अब इसके आगे का चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ही आपसे वो रहती है कि आप एक दो ऐड पे क्लिक कर दीजिए, इसके अलावा तो मैं आपसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ। बहुत सी पेड वेबसाइट है जिनके ये कोर्स है वो कोर्स है, ठीक है, ऐसे वाले फ्री हैं, वैसे वाले पैसे वाले हैं, कुछ के प्रीमियम कोर्स हैं, कुछ के पेन ड्राइव कोर्स हैं, कुछ के सीडी कोर्स हैं, तो मैं इन चीजों पर बिल्कुल फिलहाल नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्री चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। चौथी चीज आपको ये करनी है कि दूसरों से कंपैरिजन छोड़ दीजिए, ठीक है, मार्क्स का कंपैरिजन जरूर करिए कि यार इसमें मार्क्स मेरे कम क्यों आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, दूसरा हमेशा एक तो गलत ही बताएगा, ठीक है। आप अपने दोस्त से पूछोगे यार तेरे मार्क्स कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो कहेगा मेरे तो 55 आ रहे हैं 100 में से, ठीक है, प्रीलिम्स में, जरूरी नहीं उसके 55 आ रहे हो, झूठ बोलते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे उसकी वजह से। हमेशा आप खुद से कंपेयर करिए, मैंने आज जो मॉक टेस्ट आपको दिया है आप स्टडी मटेरियल पर जाकर डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे मैंने बोला है कि 48+ आ रहे हैं या इवन आपके 45+ आ रहे हैं, देन आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। तो आप बस खुद से जज कर लीजिए आपके पिछले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में करना है, ये एक आप बेंचमार्क मान लीजिए कि आपका लास्ट मॉक टेस्ट जो रहा होगा वही आपके लिए बेंचमार्क है, उसी को क्रॉस करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज छोड़ दीजिए, बगल वाले ही कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके नेबर में किसका सिलेक्शन हो गया ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। पांचवी बात, खुद को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए। कितने कमेंट्स ज्यादा आते हैं सर, 7 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, 4 साल से दे दिया, 8 साल से दे दिया, 8 साल तो नहीं बट 5 साल 6 साल तक के तो कमेंट आए सर दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इतनी निगेटिव थॉट आपके अंदर है कि मेरा नहीं होगा, ऐसी आ चुकी है लोग, मतलब कमेंट देखिए मैं अब बैंक छोड़ रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है, नहीं ही होगा, होता ही नहीं है, इवन कुछ लोग तो शक कर रहे हैं कि आरआरबी के मार्क्स के ऊपर, एक लड़के ने कमेंट किया सर मैं करके तो आया था, 28 नंबर का मार्क्स आ गए मेरे 30, कुछ ना कुछ झोल तो है, और ये आईपीएस ने गलत चेक किया है, क्या मैं केस कर दूं, क्या केस कर दूंगे, कोई फायदा नहीं केस वेस करने का यार, मार्क्स बिल्कुल सही होते हैं एकदम, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एकदम फेयर सिलेक्शन होता है बैंक में, कोई भी इसमें पैसे चलना या फिर गलत होना ऐसी चीजें, एसएससी ऐसी चीजें इसमें नहीं है, ये मार्क्स कम ज्यादा होना होता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से,
ठीक है, आपने 28 क्वेश्चन किए, आपके 30 मार्क्स क्यों आ गए? मे बी आपकी शिफ्ट में जो पेपर था वो कंपेयर टू अदर शिफ्ट टफ था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो है वो थोड़े बढ़ गए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडरस्टैंड करना बंद करिए कि आप कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हैं, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूँ, जब मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इवन आईपीएस क्लर्क में मेरा इलाहाबाद बैंक में हुआ था, फिर पीओ में मेरा इसमें आरआरबी में मैं भी जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद 2012 में जब पहला वो सीडब्ल्यूई हुआ था, कॉमन रिटर्न एग्जाम, ठीक है, उसमें बीओबी में इंटरव्यू दिया था, ठीक है, वहां पे हुआ था, ठीक है। तो जब मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो पढ़ने में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। एक तो मैं यूपी बोर्ड से था, आपको पता ही है मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, चलिए नहीं पता बता रहा हूँ। दूसरा आप देखिए मेरे 10th में मार्क्स कितने थे, 69.9%, 12th में मार्क्स कितने थे, 68.4%, ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे, 68%, जिसने मेरी सेकंड सेमेस्टर में 2 बैक पेपर भी थे। तो एकदम एवरेज स्टूडेंट था मैं पढ़ने में, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई क्लास एकदम पढ़ने में टॉपर था। और इंग्लिश मैंने भी नहीं पढ़ी, सिर्फ 10th तक पढ़ी, 10th के बाद तो मैंने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, आप लोगों ने शायद 11th 12th में पढ़ी होगी। तो अंडरस्टूडेंट मत करिए, सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, बस जब तक नहीं होता है ऐसे तब तक लगता है कि मेरा नहीं होगा। छठी चीज और लास्ट बात कहूंगा, क्लर्क के लिए फोकस करना बंद कर दीजिए। कौन लोग हैं जो कहते हैं सर क्लर्क का अलग से प्रोवाइड करिए? आपका टारगेट क्लर्क कैसे हो सकता है? क्लर्क की जॉब कभी भी टारगेट मत रखिए। मैं नहीं कहता हूँ जॉब अच्छी नहीं है जो लोग कर रहे हैं, बट फिर भी जो ऑफिसर होता है वो हमेशा एक ऑफिसर होता है, डेफिनेटली क्लर्क आपके नीचे ही काम करेगा, आपके पास थोड़ी सी अथॉरिटी होगी, थोड़ी सी पावर होगी। प्रिपेयर करिए पीओ के लिए, नहीं होता है तो क्लर्क तो हो ही जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। कि अगर 40,000 की नौकरी ना मिली, 50,000 की नौकरी ना मिली, अब तो बैंक की सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ भी बड़ी तो 45,000 के ऊपर तो सैलरी होगी ही होगी स्टार्टिंग, ठीक है। और क्लर्क की सैलरी 25,000 के ऊपर तो होगी ही होगी स्टार्टिंग, ठीक है। तो चलिए 45-50,000 की नौकरी ना सही, 25,000 की मिल जाएगी, वो बात अलग है। प्रिपेयर क्लर्क के लिए कभी मत करिए, फोकस पूरा पीओ का रखिए, पेपर का लेवल पीओ का रखिए, प्रिपरेशन पीओ की करिए, एंड मॉक भी पीओ के लेवल के ही सॉल्व करिए, तभी आपका सिलेक्शन जो है कम से कम क्लर्क में तो हो ही जाएगा। और सातवीं चीज ये है कि अनअकैडमी पर भी अच्छे वीडियोस हैं, डेफिनेटली सिर्फ हमारे ही नहीं और लोगों के भी अच्छे वीडियोस हैं। एक प्लेटफॉर्म आप यूट्यूब पे चूज कर लीजिए, एक अनअकैडमी पे चूज कर लीजिए, और आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए अनअकैडमी पर हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए कितने वीडियोज, 5-6 वीडियोज डेली आते हैं, जाइए एंड देखिए। आपको देखेंगे तो 5 वीडियो देखने में आपका दिन भर में आधे घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट बेकार होते हैं, 6-7 मिनट का वीडियो एक होगा, दिन भर में 5 वीडियो देख लिए तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। करंट अफेयर्स साथ के साथ पढ़ते चलिए, क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, और आने वाले दिनों में बहुत से एग्जाम आ रहे हैं। अगर आपके प्रीवियस पहले के सारे एग्जाम्स खराब हो चुके हैं तो आप प्लीज पढ़ना छोड़ मत दीजिए, बैठ मत जाइए। अगर आप बैठ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप अभी से कंटिन्यू रखेंगे तो मे बी मार्च वार्च में आपकी एसबीआई की वैकेंसी आएगी, क्या पता आप एसबीआई पीओ बन जाए, लेकिन कंटिन्यू रखना होगा, पढ़ाई बंद करने से कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है किसी भी चीज़ से तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा लेकिन हमें मिल जाएगा ढेर सारा मोटिवेशन। एंड वेबसाइट पर जाकर स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिए, एंड डाउनलोड करने जब भी जाइए एक ऐड पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।